कुछ कुछ होता है धर्मा प्रोडक्शंस की पहली एनिमेशन फिल्म रहेगी, इट्स बेस्ड ऑन कुछ कुछ होता है, लेकिन इस फिल्म में सारे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जिराफ हैं, ओरैंगटैंग्स हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, इंसान कोई नहीं है, एक एनिमल किंगडम की दुनिया है, इट्स एन एनिमल वर्ल्ड जहाँ कोई ह्यूमन बींग्स नहीं रहते। तो सारे कहानी के सारे जो इमोशनल पॉइंट है वो बिल्कुल कुछ कुछ होता है पे आधारित है। द लव स्टोरी इज़ बिटवीन थ्री डॉग्स, शाहरुख, काजल और रानी की जो किरदार हैं वो अभी बाकायदा तीन बहुत क्यूट डॉग्स निभाएंगे, एंड इट्स वेरी क्यूट, इट्स गॉट द सेम इमोशनल एनर्जी। सारी जो कहानी है वो बिल्कुल कुछ कुछ होता है पे है, गाने भी हैं, पांच गाने हैं, एंड इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय तरुण मनसुखानी जो दोस्ताना के डायरेक्टर। वॉइस ओवर शाहरुख के हैं, काजल के हैं, रानी मुखर्जी के हैं, ऑल द वॉइस ओवर्स ऑफ द फिल्म आर एग्जैक्टली द वॉइसिस ऑफ द लीड एक्टर्स ऑफ द फिल्म, लेकिन वी हैव एन एनसेंबल कास्ट दैट हैज डब्ड फॉर इट। रितेश देशमुख है, साजिद खान है, सिमी गरेवाल हैं जिन्होंने जिन्होंने वॉइस दिया है फिल्म के लिए, सो वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग एनसेंबल वॉइसेस, एंड संजय दत्त हैज आल्सो डब्ड फॉर कुछी कुछी होता है। देखिए रणबीर और कोंकणा की फिल्म जो हम शुरू कर रहे हैं द मंथ ऑफ सितंबर, जिसका टाइटल हमने फाइनलाइज किया नहीं, इज़ बीइंग डायरेक्टेड बाय अ यंग बॉय जिसका नाम है आयान मुखर्जी। आयान मुखर्जी मुखर्जी खानदान के का हिस्सा रहे हैं, इज काजल्स फर्स्ट कजन एज वेल, ही इज़ ऑफकोर्स पार्ट ऑफ द इलस्ट्रियस मुखर्जी फैमिली। तो वो मेरे साथ कभी अलविदा ना कहना में वो असिस्टेंट रहे हैं, और आज हम धर्मा प्रोडक्शंस उन्हें लॉन्च कर रहे हैं एज ए फिल्म मेकर, एंड द कास्टिंग जैसे कि आपने कहा काफ़ी अनयूजुअल है, रणबीर और कोंकणा है, बट द लव स्टोरी इज अनयूजुअल एंड आई एम श्योर द फिल्म विल बी वेरी अनयूजुअल, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। काजल इज द लीड एक्ट्रेस ऑफ माई नेम इज खान अलॉन्ग विद शाहरुख खान। माई नेम इज खान के ऊपर एक वर्ड आएगा जिसका नाम होगा करण जौहर, तो टाइटल होगा करण जौहर माई नेम इज खान, तो वो क को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, वो क हमेशा मेरे साथ रहेगा, एंड इट विल ऑलवेज बी अबव माई नेम, मेरे फिल्म के नाम के ऊपर मेरा ही नाम आएगा, बिकॉज आई लाइक माई नेम वेरी मच एंड आई लाइक द अल्फाबेट ऑफ माई नेम क, तो इट विल ऑलवेज बी देन स्पिरिट, एंड खान इज विद अ के एज वेल, एंड खान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई नेम इज खान, बिकॉज काजल हैज द वर्ड के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव काजल। Kajal is also gay. Karan is also gay. Kajal is by far the finest actor, one of the finest actors the film industry has, and she's perfect for My Name Is Khan, and she was very happy to have read the script. She liked it very much, and we could not have had a better choice for My Name Is Khan as the lead actress in the film. She and Shahrukh are, I can't ask for a better cast for My Name Is Khan. In fact, I would not want to make the film if I didn't have Shahrukh and Kajal. The rest of the cast and credits of My Name Is Khan are being finalized, so I would not like to comment on the rest of the cast and credits. Karan, सबसे पहले जाना चाहेंगे beauty pageants जो हैं पहले बहुत सारे Indian लड़कियों ने जीते हैं, पर काफी समय से India में से कोई नहीं जीत पा रहा, क्या वजह आप मानते हैं? सारे जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो फिल्मों में आ रही हैं, तो इसीलिए वो contest पे हिस्सा नहीं ले रहे, वो pageant में जा नहीं रहे, इसीलिए हमारे लिए अच्छा है क्योंकि सारे अच्छे जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो हमारी तरफ आ रही हैं, विच वी आर वेरी हैप्पी अबाउट, वैसे भी आ जाती लेकिन थोड़ा जल्दी आ रही हैं, तो वी आर हैप्पी अबाउट दैट।